हेलो, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज डिवोटेड क्लासेस। वंस मोर यू आर मोस्ट वेलकम इन टू डिवोटेड क्लासेस। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम है डिवोटेड क्लासेस। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक अन्य वीडियो के साथ जो है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ कि हम लोग कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के अंतर्गत आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स इन डिटेल। ओके, इसके पहले मैंने आपको नाउन और उनके प्रकार बताए। आप देखेंगे आज प्रोनाउन और उसके प्रकार। हालांकि मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बता दिया है पहले भी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, पर्याप्त नहीं था। अब इसको डिटेल में समझे। सबसे पहले जानेंगे ये प्रोनाउन होता क्या है। पर भाषा यहां पर लिखी है द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, अर्थात वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, तो कंफ्यूजन कोई जरूरत कोई में बात ही नहीं है, इसे आप आराम से समझ जाएंगे। ओके, फिर से देखें, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। मैं इसकी व्याख्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी में बताइए, इसीलिए मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ। द वर्ड मीन्स होता है वह शब्द विच यूज मीन्स जो प्रयोग होता है, विच इज यूज्ड, इन शॉर्ट में यूज्ड प्रयोग किया गया, वह शब्द जो प्रयोग किया गया है कहां पर, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। ओके, अब कहेंगे इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कई बार होता यूं है कि हम बार बार नाउन यूज करके बोर होते हैं, यानी हम बोरियत महसूस करते हैं। वी फील बोरिंग बाय यूजिंग द टर्म सेम नाउन मेनी टाइम्स। ओके, सपोज इफ आई से राम इज ए बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम प्लेज फुटबॉल, राम लव्स स्टडिंग, राम रेस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम रीड्स हिज बुक रेगुलरली, राम कंप्लीट्स हिज होमवर्क, राम रिवाइजेज हिज सिलेबस, राम प्लेज फुटबॉल, राम राइट्स अ लेटर, राम वर्क्स इन द इवनिंग, राम प्रेज टू गॉड डेली, राम ओबेज हिज पेरेंट्स, सो मेनी वेज ब्ला ब्ला ब्ला। फाइन, सो व्हाट वी गेट हियर, राम एक शब्द है जो बार बार राम 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 कहते जा रहे हैं, थोड़ा सा सुनने में बोर लग रहा होगा सर, क्या बार बार राम राम रट लगाए हुए हैं, है ना, तो आपको बोरिंग महसूस हो रही होगी। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, राम इज ए बॉय, ही गोज स्कूल डेली, ही स्टडीज हिज सब्जेक्ट्स वेल, ही रेस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, ही राइट्स लेटर्स, ही प्लेज फुटबॉल, ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली, ही प्रेज टू गॉड डेली, ही सॉल्व्स हिज मैथ सम्स एवरी डे, ही ओबेज हिज पेरेंट्स। व्हाट वी गेट हियर माई डियर फ्रेंड्स, हियर वी आर जस्ट इन प्लेस ऑफ राम वी आर यूजिंग ही, दैट इज सेविंग अस फ्रॉम रिपीटेशन ऑफ द सेम टर्म राम राम राम। फाइन, और सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार राम को नहीं करना पड़ रहा है, केवल हम ही करते जा रहे हैं, तो इसी का नाम है प्रोनाउन। क्योंकि राम नाउन है और यहां पर देखिए राम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, हमने लिख दिया, तो राम
अब यहां पर क्या था, राम नाउन था और ही क्या है, उसके प्लेस पर यूज किया गया वर्ड है। सो ही इज व्हाट, प्रोनाउन। अब सारे वर्ड, अब जैसे यहाँ ही गोज टू स्कूल डेली कह सकते हैं, यहां पर ही ओबेज हिज टीचर्स, ही अटेंड्स हिज क्लासेस डेली, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, ही रीड्स वेल। क्या देख रहे हैं यहां पर, अब जितनी बार हम देख रहे हैं ही बार बार ही यहां पर देखने को मिल रहा है, ना कि हम बार बार राम कह रहे हैं। वही बार बार राम कहते, ऐसे कहते राम इज ए बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम ओबेज हिज पेरेंट्स और हिज टीचर्स, ही अटेंड राम अटेंड्स हिज क्लासेस, राम हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, राम रीड्स वेल। ये सारे क्या मिलेंगे, बार बार राम आएगा। थोड़ा सा सुनने में आपको थोड़ा सा बोर महसूस होगा, इट्स सीम टू बी बोरिंग। सो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ बोरिंग, वी आर यूजिंग द वर्ड ही, दिस इज नोन एज प्रोनाउन। यही प्रोनाउन है, क्योंकि ये राम जैसे जो नाउन है, राम क्या है, किसी आदमी का नाम है, नाउन हुआ, तो उसके प्रति यूज किया गया ही, इसलिए क्या हो गया, प्रोनाउन। फाइन, इस तरह से आपके यही परिभाषा है प्रोनाउन की, जो पर आपने लिखा है, हमने लिखा है द वर्ड मैंने वह शब्द विच यूज्ड मैंने विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वह शब्द जो नाउन प्रयोग के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। फाइन, यह मैंने दिया शॉर्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है। बाकी अब यहां पर चीफ प्रोनाउंस, CHIEF प्रोनाउंस, PRONOUN प्रोनाउंस की प्रोनाउंस में हो जाएंगे आई वी यू ही शी इट दे बॉयस। यहां पर देखो लीजिए, और ज्यादा बॉय को लिखने की जरूरत नहीं है, दे इसको भी फॉर्म बनेंगे आई मी माई माइन वी अवर अस यू योर योर्स ही हिम हिज शी हर हर इट इट्स इट्स दे देम देयर वी अस आवर। ये सारे वर्ड क्या है, प्रोनाउंस विशेषकर है, यही है आपका प्रोनाउन, ये सारे आपके प्रोनाउन है। ओके, हाँ तो समझ में आ गया होगा, तो देरी किस बात का, शुभ कार्य में तुरंत आप उठाइए और सारी परिभाषा यहाँ पर जो लिखी है हमने इसको लिखिए और चीफ प्रोनाउंस यहाँ पर लिख लीजिए। ओके, ये था प्रोनाउन की परिभाषा। बाकी आगे हम चलेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर थोड़ा सा क्लैश होगा। कुछ बुक्स में प्रोनाउन्स के 7 काइंड्स लिखे हैं, कुछ बुक्स में 10 लिखे हैं, और कुछ बुक्स में और भी कम लिखे होंगे। फाइन, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमने पढ़ा है और कई बुक्स में कंसल्ट किया हुआ देखा हुआ है, उसके आधार पर हम यहाँ पर प्रोनाउन के काइंड्स बताएंगे। वैसे तो अधिकांश बुक्स में हमने देखा है जो प्रोनाउंस के केवल 7 काइंड्स लिखे हैं। फाइन, लेकिन कुछ कंडीशन की बुक्स, जैसे लूसेंट साहब हैं, लूसेंट की बुक है, और भी कुछ फेमस बुक्स हैं और जो हमने पढ़ी है, उसके आधार पर हम बताएंगे प्रोनाउन के कम से कम 10 काइंड्स होते हैं। ओके, प्रोनाउंस हैज 10 काइंड्स, प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। अब मेरा बिट, यस ऑफ कोर्स, अब टेक योर कॉपी एंड योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन हैज
सभी लोगों जो निम्नलिखित है प्रवण के दस प्रकार होते हैं जो कि निम्नलिखित है। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन पी आर एस ओ एन ए एन पी आर ओ एन ओ यू एन पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेवंथ रिलेटिव प्रोनाउन। एट्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट पी आर ओ एल ओ यू एन। नाइन्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड टेंथ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये आपके प्रोनाउन के 10 काइंड्स हैं। अब हमारे साथ आप बोले डियर फ्रेंड्स डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रोनाउन्स हैव 10 काइंड्स। यू कैन स्पीक विद मी। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। स्पीक पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेवंथ रिलेटिव प्रोनाउन। एट्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाइन्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड टेंथ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। दीज आर द 10 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन दैट आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। फाइन नाउ टेक डाउन बी क्विक एंड फास्ट। आवाज हमारी आपको कुछ फंसी सी आ रही होगी। समथिंग यू नो माई वॉइस नॉट क्लियर। आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। दैट्स वाई माई वॉइस इज नॉट समथिंग सो क्लियर। मे बी वेरी वेरी हैवी वॉइस। सो फॉर सॉरी फॉर दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके मेरी आवाज आपको कुछ भारी लग रही होगी, फंस भी रही होगी। भाइयों बहनों थोड़ा सा तबीयत अभी कुछ डाउन है, जुकाम बुखार कुछ असर उसका है, इसलिए आवाज़ आपको फंसती हुई नज़र आ रही होगी। इसीलिए हमने अभी आज 5-6 दिन से वीडियो कोई आपके चैनल पर नहीं डाला था। दैट्स वाई। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। फाइन इसे आप लिखें। लिख लिए होंगे, नहीं लिख लिए होंगे तो कम से कम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अगर जल्दी है यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, अदरवाइज यू जस्ट नोट डाउन। नोट कर लिए होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चले देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अब कहेंगे ये क्या है गुरुजी, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। देन ध्यान देखिए यहां पर पर्सन लिखा है, पर्सन में एल जोड़ा हुआ है, यानी पर्सनल वर्ड कैसे बना, पी ई आर एस ओ एन प्लस ए एल।
इक्वल टू पर्सनल, पर्सन फिर पीएल जुड़ा बन गया पर्सनल, फाइन। इसका मतलब पर्सनल सेंटर में है एल, ये क्या है एक डिसीज है सफिक्स, पर्सन में एल सफिक्स जब मिला तो बन गया पर्सनल, अर्थात पर्सन वाज द नाउन एल जुड़ा, एल मीन सिंबल ऑफ एडजेक्टिव, तो इसका बन गया एडजेक्टिव, फाइन। तो ये एडजेक्टिव बन गया और प्रोनाउन जानी रहे सब नाउन, यानी कि व्यक्ति को शो करने वाला प्रोनाउन, या दूसरे वर्ड में कह लीजिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम, हिंदी वर्जन है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कई बच्चे कहते हैं भाई साहब नहीं सर थोड़ा सा हिंदी में बताया करिए डिफिनेशन वगैरह, मैं मेरी राय तो यही है भाइयों बहनों कि आप जो वर्डिंग है विशेषकर यहाँ पर डिफिनेशन की या उनके नेम्स की इंग्लिश में ही जाने तो बेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश की वर्डिंग अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो बेस्ट है, फाइन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फोकस ओनली इंग्लिश वर्डिंग, इंग्लिश टर्म्स, इट विल बी बेनिफिशियल, मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। सो फोकस द इंग्लिश वर्ड्स, आई मे ट्रांसलेट इट इंटू इंग्लिश, सॉरी इंटू हिंदी इफ इट इज पॉसिबल, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डोंट वरी, मैं उसे समझाऊंगा चाहे जैसे ये है क्या, फाइन। टर्मिनोलॉजी जो है किसी भी चीज़ की बेटर है उसी लैंग्वेज में अगर सीखें जिसकी वो टर्मिनोलॉजी है तो बेस्ट होगा, फाइन। सो आप इसको इंग्लिश में ही जाने, ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन पहला क्या है, इसकी परिभाषा, द प्रोनाउन विच इज यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग सिंपली इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी वह प्रोनाउन जो मनुष्यों के लिए हम और आपके लिए प्रयोग किया जाता है, हम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो प्रोनाउन अपने लिए यूज करते हैं वही होता है पर्सनल प्रोनाउन, ओके। सो यू कैन राइट द प्रोनाउन विच इज यूज, यहां लिखिएगा ऐसे साथ, द प्रोनाउन विच इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स लाइक अस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए हम और आपके लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, फाइन। एग्जाम्पल आई, सॉरी यहां से लिखेंगे आई, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। सेकेंड यू आर अ बॉय, थर्ड सी इज अ गर्ल, यहां पर आई यो शी ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं किसी मनुष्य को शो कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं आई एम ए टीचर, मैं अप्रैल कह रहा हूं उसी पर नाम उदय जान रहे आप लोग, तो मैंने उदय के लिए आई का यूज कर दिया, क्या हो गया प्रोनाउन, जो मैं अपने लिए खुद यूज कर रहा हूं मनुष्य हूं मैं। ऐसे यू आर ए बॉय, यू पुस्ता का नाम मोहन हो, मोहन के लिए मैंने यू का यूज कर दिया, फाइन। यू आर ए बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, तुम लड़के हो या आप लड़के हो, सो मैंने नाम तो लिया नहीं आपका, मैंने आपके नाम के स्थान पर यू का यूज कर दिया ना, यू क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, क्योंकि आप मनुष्य हो इसलिए पर्सनल प्रोनाउन हुआ यू। इस प्रकार से शी इज ए गर्ल, मान ली गीता है, गीता के लिए हमने कहा शी इज ए गर्ल, फाइन। अब गीता भी लड़की है यानी वो भी मनुष्य, अब मनुष्य का मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो उससे कोई मतलब नहीं है, मनुष्य है, फाइन। तो मनुष्य के लिए आप यूज हो रहा है शी, शी इज ए गर्ल, तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, फाइन। आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इन अदर वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन हैज थ्री काइंड्स, यू कैन राइट
वेयर अप ओके टेक डाउन फास्ट लिख लीजिए अब है आपका काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शॉर्ट में लिखा होता है पर्सनल प्रोनाउन हैज थ्री पर्सन्स और यू कैन से पर्सनल प्रोनाउन हैज थ्री काइंड्स ओके काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन It has three kinds. क्या कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन हैज थ्री पर्सन्स फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन चाहे ऐसे लिखे चाहे कोई दिक्कत नहीं आप कुछ लिखते हैं टी एच आई आर डी लिख सकते थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन लिख सकते सो पर्सनल प्रोनाउन हैज थ्री काइंड्स फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन स्पीक विथ मी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ओके अब इस फर्स्ट पर्सन में आने वाले वर्ड्स आई और वी है सेकेंड पर्सन में यू और दाऊ है यू और दाऊ है और थर्ड पर्सन में ही शी इट राम राम को यहां पर ध्यान रखिएगा राम को भी यहां पर ऐसे पर्सन लिया गया पर्सन प्रोनाउन के रूप में लिया गया है यहां हम राम को जब कभी प्रोनाउन की उसमें के रूप में यूज करना होगा तो थर्ड यानी कि थर्ड पर्सन की रेंज में रखते हैं वैसे राम तो नाउन है ना फिर भी यहाँ पर इसको एज ए प्रोनाउन ले रहे हैं थर्ड पर्सन शो करने के लिए सबका नाम जितना भी नाम आएगा वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में आता है क्योंकि उसके लिए प्रोनाउन यूज करना होगा तो ही आएगा ठीक मतलब थर्ड पर्सन फाइन भले यहाँ पर नाम है राम लेकिन एज ए प्रोनाउन इसको हम थर्ड पर्सन में रखेंगे फाइन सो राम यहाँ पर दे वन दे इट इज तो ही सी इट दे राम वन इत्यादि ये सारे आपके थ्री काइंड्स ऑफ द पर्सन हो गए अगेन फर्स्ट पर्सन आई एंड वी सेकेंड पर्सन यू एंड दाउ थर्ड पर्सन ही सी इट राम बॉय गर्ल एंड दे फाइन ये सारे आपके हमने प्रोनाउन के प्रकार बताए इसमें भी देखेंगे ध्यान से जब तो आई क्या है आई इज सिंगुलर आई इज सिंगुलर मी इज प्लूरल सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल ये आपको सीखने को मिलेगा नंबर के काइंड्स दो हैं सिंगुलर एंड प्लूरल हम ये अलग सी से हम पहले नाउन प्रोनाउन की परिभाषा और उसके काइंड्स समझा दें आपको अच्छे से फिर हम आपको अलग से जेंडर नंबर और केस तीन टर्म अलग से मिलेंगे आपको सीखने को इसको हम अलग से अच्छे से डिटेल में सिखाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा किसमें सिंटैक्स में यानी करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेज में सीखने को मिलेगा मैंने सहायता में सहायता करेगा ये चीज़ें जो हम आपको आगे सिखाएंगे अभी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे ज़्यादा यहाँ हमारा काम है केवल इसको समझाना पर्सनल प्रोनाउन की काइंड्स सो आई क्या है सिंगुलर वी क्या है प्लूरल है हाँ हमने देखा हुआ है कई बच्चे आई को भी प्लूरल मानते हैं हमने ऐसा भी देखा हुआ है कुछ महान भाई साहब जो अच्छे अच्छे अध्यापक भी वो भी आई को प्लूरल मानते हैं गलत बात आई बने मैं क्या दो होता है कि हजारों होता है तो एक ना तो भूल के गलती ना करें आई इज सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फाइन वी इज प्लूरल इसी प्रकार से आप देखें अब यू ये सिंगुलर है और यस प्लस पी ये दोनों है सिंगुलर भी और प्लूरल मॉडल इंग्लिश में लेकिन पुरानी इंग्लिश में दाऊ वर्ड था दाऊ दाऊ का अर्थ होता है तू अब ये यूज में नहीं है हालांकि विलियम शेक्सपियर और जॉन कीट्स और जॉन मिल्टन ये सारे लोग अपनी अपनी
समय में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया हुए हैं, यानी पुरानी उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा था, अब कम हो गया है या नहीं के बराबर है। लेकिन व्यवहार में अभी भी कहें कि आप तू तो यूज़ कर ही रहे हो ना, है चल हर तो क्या कर लेगा, बहुत देखा तेरे जैसा, सुना होगा आपने, तू तू तह तेरा, या एक ही वर्ड यूज़ में है, विशेषकर हिंदी में आप देख ही रहे सारे यूज़ हैं, वैसे इंग्लिश में भी है, लेकिन अब वही यूज़ में इस तरह से नहीं है जैसे पहले यूज़ हुआ करते थे। इसका मतलब दाऊ ये जो है आउट ऑफ डेट हो चुका है। दाऊ दाई दी दाइन, इसका तीनों फॉर्म है, दाऊ दी दाई दाइन, दाऊ दी दाई दाइन, दाऊ दी दाई दाइन। कहेंगे क्या बोल रहे हो सर, अभी हम सीएनजी उन्हें पढ़ा रहे थे, जब बुरे लगे तो फिर बस सर गुरु जी क्या दाऊ दाई दाइन आप कह रहे हैं, हाँ ये है ना अंग्रेजी का चक्कर। तो मैं बता दूँ, दाऊ दी दाई दाई दाइन, दाऊ आपका केस आगे बढ़ेंगे जब, तो दाऊ नॉमिनेटिव केस, दी ऑब्जेक्टिव केस, दाई पैसिव एडजेक्टिव एंड दाइन पैसिव प्रोनाउन। ये मैं जो पर्सन चार्ट आपको लिखाऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको कन्फ्यूजन आपको दूर कर रहा हूँ, क्योंकि आप ना कन्फ्यूज हो जाए कि सर ये क्या बोल रहे हैं, दाऊ दी दाई दाइन क्या बोल रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है, विस्तार हम करेंगे, बनाएंगे पर्सन चार्ट। फाइन, अभी यूज में नहीं है, यू ही दोनों का काम कर रहा है, मीनिंग यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, यू आर ए बॉय, ए बॉय कहा गया ना, इसका मतलब यू सिंगुलर हुआ। अगर हम कहें यू आर बॉयज, यहां पर क्या हुआ, प्लूरल बॉयज, कई लड़के हो गए ना, तो वहां पर यू प्लूरल हो गया, मीनिंग यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इन द मॉडर्न इंग्लिश। ओके, लेकिन पुरानी इंग्लिश में ये प्लूरल था, दाऊ सिंगुलर था। फाइन, अब दादा बन गया कौन, यू, दाऊ खत्म कर दिया, गो गेट आउट कर दिया, किसने, यू ने। फाइन, अब दोनों काम में करने लग गया है, बहुत गलत बात है ना, किसी का वंश ही खत्म कर दिया, उसका स्थान ले लिया, हैरी हमसे उससे क्या मतलब, चाहे वंश खत्म हो जाए कुछ भी यूज में है पढ़ा रहे हैं आपको। फाइन, अच्छा अब चलिए आप थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या है, ही है सिंगुलर, शी है सिंगुलर, इट है सिंगुलर, राम है सिंगुलर, वन है सिंगुलर, लेकिन हाँ बॉय है सिंगुलर, गर्ल है सिंगुलर, गीता है सिंगुलर, ममता है सिंगुलर, लेकिन दे है प्लूरल, दे है प्लूरल। फाइन, यानी सबका दादा दे है, सारे बच्चे, ओके, दे इज प्लूरल, अनदर था सिंगुलर, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर, राम सिंगुलर, बॉय सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर, दे दादा, दे इज प्लूरल। ओके, ये समझ गए होंगे आप लोग, ये हैं आपके तीनों फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के एग्जांपल। फाइन, आइए हम देखें ये है क्या, अच्छे से विस्तार करें, कैसे समझें इन तीनों को एक साथ, हमने जो लिखा दिखाया इसको कैसे समझें, चलिए नीचे हम विस्तार करते हैं इसका, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको विस्तार करेंगे हम अभी आगे। ज्यादा विस्तार ना करते, शॉर्ट में बता देता हूं मैं, पहले समझा देता हूं फिर लिख देता हूं। पर फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, और थर्ड पर्सन क्या है, यहां पर मैंने केवल एग्जांपल दिए थे अभी। फाइन, जिसे समझे, जब कहीं मान लीजिए मीटिंग में कम से कम तीन बंदे हो, कितने बंदे हो, तीन बंदे, ओके, जिसमें एक बात करने वाला है, एक जिससे वो बात कर रहा है अर्थात बात को सुनने वाला है, और एक तीसरा है जिसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं। फाइन, तो उस समय क्या होगा, जो बात करे सो फर्स्ट, जिससे बात करे सो सेकंड, जिसके बारे में दोनों बात करें सो थर्ड। फाइन, बस फिर से सुनिए, अगर कहीं पर तीन बंदे कम से कम बैठे हों जिसमें एक मुख्य बात करने वाला होगा, एक उससे सामने वाले से जो बात कर रहा होगा, यानी दूसरा बंदा जिससे बात कर रहा होगा या सुनने वाला होगा, एक तीसरा भी कोई आदमी हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है या कोई विषय हो सकता है,
जिसके बारे में वो दोनों बात करते हैं। फाइन, तो उसी हालत में जो बात करे सो फर्स्ट, जिससे बात करे सो सेकंड, जिसके बारे में दोनों बात करें सो थर्ड। फाइन, सपोज आई एम टॉकिंग, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम टॉकिंग, सो आई एम फर्स्ट, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग मीनिंग यू आर द सेकेंड। एंड सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, अबाउट गीता, सपोज आई एम स्पीकिंग अबाउट गीता, सो गीता इज व्हाट, थर्ड पर्सन। सो द पर्सन हु स्पीक्स इज फर्स्ट, टू हूम ही स्पीक्स इज सेकेंड, एंड ऑफ विच बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन स्पीक इज थर्ड। वंस अगेन, पर्सन हु स्पीक्स इज फर्स्ट, टू हूम ही स्पीक्स इज सेकेंड, एंड ऑफ विच बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन स्पीक इज द थर्ड पर्सन। क्लियर, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। सो कैन राइट हियर, while talking, at a place, the person who speaks, speaks is first, to whom he means first person speaks is second, and of which he speaks or rather of which he speaks not of which both speak of which both first and second person speak is called third person। यहां करेंगे definition of first, second symbol and third, third person PERSON। यहां आपकी परिभाषा मेरे शॉर्ट में लिख दी है इंग्लिश में, द पर्सन हु स्पीक्स इज फर्स्ट, टू हूम ही स्पीक्स इज सेकेंड, एंड ऑफ विच बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन स्पीक इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। अंडरस्टैंड, बाकी इसका एक बनेगा पर्सन चार्ट, इसे हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल चार्ट जो है, पर्सनल चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। जैसे आपकी केमिस्ट्री में होता है ना पीरियडिक टेबल, इसी प्रकार से इंग्लिश में पर्सनल चार्ट हुआ करता है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच समझने में, एक्टिव पैसिव को समझने में, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, सारे जितने ग्रामर के चैप्टर आने वाले हैं उनको समझने में ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए उसे हम अच्छे से समझेंगे अगली वीडियो में। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, समझ गए होंगे जो आज आपने पढ़ाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो देर किस बात का, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं भाई या बहन, तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर वंस जितने भी हैं सबको शेयर करें। ओके, और अपने वैल्यूबल कमेंट भी भेजें ताकि हमें हमारा मनोबल बढ़े,
हमारी धन तो आप ही हैं, हमारी शक्ति तो आप हैं साहब, हमारा कुछ नहीं, आप हमारी शक्ति हैं, आप हमारे संपत्ति हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सो होता क्या लागे है मोर। किसी ने मुझे दिया, किसने दिया, दिन रात कोई दूसरा यहां पर है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, तो केवल भगवान देने वाले हैं, उन्होंने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, आपको भी मैंने भगवान समझा, क्यों, क्योंकि तुझ में राम, मुझ में राम, राम ही सब में समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ये गाना बहुत फेमस गाना है, कभी अगर मूड में आएंगे किसी समय इसे हम प्रस्तुत करेंगे, या अलग से हम एक पूरी वीडियो ही बना देंगे, उसमें केवल सॉन्ग ही होंगे। फाइन, हमारे सेंट जेवियर के बच्चे हमारे वीडियो जरूर देख रहे होंगे, तो उन्होंने भी कहा है कि सर चैनल पर अपने सॉन्ग भी आप डालें, तो आई एक्सेप्ट, मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जो मुझे अच्छे लगेंगे, जो सॉन्ग मैं गाता हूँ, उनमें से कुछ सॉन्ग्स मैं उस वीडियो में जरूर प्रस्तुत करूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड टिल आई मेक आई प्रेजेंट अदर वीडियो, यू कीप ऑन लाफिंग, enjoying and practicing more and more. Now, bye bye, see you, take care.